हेलो एवरीवन आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ द क्वेश्चन सेज दैट द रिलेशन बिटवीन टी एंड टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज टी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट देन वेलोसिटी इज अपने से देखो भाई क्वेश्चन में गिवन है गिवन है अपने को टी की वैल्यू तो t की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के इक्वल अपने को t की वैल्यू गिवन है इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया और अपने से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है अपने से पूछा गया है क्वेश्चन में वेलोसिटी की वैल्यू तो वेलोसिटी अगर पूछी गई है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तो v इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लिया है तो चलिए आगे अपन सोल्व करते हैं तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका दोनों साइड अपन डिफरेंशिएशन करेंगे टीके सापेक्स। तो देखो टीके सापेक्स डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन फर्स्ट को दोनों और डिफरेंशिएशन करने पर तो देखो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी टी लेफ्ट साइड में इक्वल टू राइट साइड में आएगा डी बाई डी टी बार और अंदर रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आगे जब अपन इसको सिंपलीफाई करेंगे तो डी टी बाई डी टी का तो हो जाएगा वन और जो डी बाई डी टी है उसके साथ एक तो ए एक्स स्क्वायर है और एक है बी एक्स तो जब ए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ए बार आ जाएगा और डी बाई डी टी रहेगा और एक्स स्क्वायर अंदर रह जाएगा ए बार क्यों है क्योंकि कॉन्स्टेंट था यहां से बी बार आएगा अंदर रहेगा डी बाई डी टी और ये एक्स अब आगे दोबारा देखो यहां से तो ये ए बार का बार है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू एक्स फिर एक्स का किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था टी के रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस यहां से देखो बी इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू था वन यहां से अब Dx Dt को कॉमन ले लूंगा मैं डीएक्स बाई डी टी को कॉमन ले लिया अगर कॉमन ले लिया तो देखो यहां से कौन बचा टू एक्स प्लस यहां से कौन बचा सिर्फ बी इक्वल टू कितना आ रहा है वन आगे देखते हैं डीएक्स तो बाई डी टी को एक और रखो क्योंकि अपने को वैल्यू किसकी चाहिए डीएक्स बाई डी टी की और जो टू ए एक्स प्लस बी इसके मल्टीप्लाई में है उसको सामने डिवाइड में ले जाओ तो डीएक्स बाई डी टी इक्वल टू टू, टू एक्स प्लस बी इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड तो देखो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से जब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो देखो जो इक्वेशन सेकेंड में था वी इक्वल टू डीएक्स बाई डी टी आ रहा था और यहां से डीएक्स बाई डी टी इक्वल टू टू एक्स प्लस बी आ रहा है तो हम डीएक्स बाई डी टी को दोनों जगह से रिमूव कर देते हैं तो अपने पास आएगा V equal to two ax plus b. So that was the solution for this question. Thank you.